देखिए क्वेश्चन है, इन फिगर पी ओ क्यू इज़ अ लाइन रे ओ आर, पी ओ क्यू एक लाइन है एंड रे ओ आर, ये ओ आर एक रे है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है यानी ये एंगल 90 डिग्री है। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, ओ एस एक दूसरा रे है जो ओ पी इस दोनों एंगल्स के बीच में लाई कर रहा है। तो प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस, आर ओ एस मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, पी ओ एस यानी ये एंगल के हाफ, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ गिवन लिखेंगे, आपको गिवन है एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाई इट इज, सिंस आर ओ, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर है इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग प्रूविंग लिखते हैं एंड रिक्वायर्ड टू प्रूव आर टी पी, प्रूव करना है आपको एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आपको प्रूव करना है। तो जो गिवन है उसी को लेके चलते हैं, ये हमारे पास गिवन है इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अब पी ओ आर, पी ओ आर को हम लोग ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं, दैट इज़ पी ओ आर। तो पी ओ आर को हम लोग कन्वर्ट कर दिए एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस में। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पास पी ओ आर नहीं है, हम लोगों को प्रूव करना है पी ओ एस, क्यू ओ एस और आर ओ एस, ये एंगल्स आते हैं। तो दोनों एंगल्स को हम लोग इन्हीं सारे टर्म्स में चेंज करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आर ओ क्यू, आर ओ क्यू यानी ये एंगल है, अगर इस पूरे एंगल में हम लोग ये एंगल माइनस कर देते हैं तो ये एंगल बचता है। तो आर ओ क्यू के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस, आर ओ क्यू के जगह के लिखेंगे। देखिए कैसे आर ओ क्यू ये एंगल है, अब इस पूरे एंगल में दिस इज होल एंगल दैट इज क्यू ओ एस, इसमें ये माइनस कर दिए, इसमें ये माइनस करेंगे तो यही बचेगा, तो इसके जगह पे ये लिखेंगे। अब हम लोग केवल साइड्स को चेंज करेंगे, आर ओ एस को एक साइड ले आएंगे और एंगल आर ओ एस ये, इसको भी इधर लाए तो प्लस हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस और इसको इधर माइनस कर देंगे, इसका साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा पी ओ एस। अब ये हो गया ट्वाइस एंगल, ट्वाइस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, टू को इधर लाएंगे तो जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे, देयरफॉर एंगल आर ओ एस इधर टू बाय हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो वन बाई टू इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो जब भी प्रूविंग हो तो हमारे पास जो गिवन होता है उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं, और
जो रिक्वायर्ड टर्म्स होते हैं उस टर्म्स में वो गिवन टर्म्स को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे हमने देखे पी ओ आर को हमने पी ओ एस और आर ओ एस में चेंज किया, क्योंकि हमारे पास आर ओ एस पी ओ एस ये सारे एंगल्स प्रूव करने हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग क्या कहते हैं एडजस्टमेंट करेंगे या उसके साइड्स वगैरह चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, यानी केवल एडजस्टमेंट करना होगा हम लोग को, सेम टर्म में चेंज करने हैं जो गिवन टर्म्स होते हैं उसको इस तरह से प्रूव करेंगे।